ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी तपस्या के लिंग ही स्वरूप है, ब्रह्मचर्य भी हमारी एक तपस्या है, तो बुद्धि को स्थिर करना भी हमारी एक तपस्या है, अर्थात व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना भी हमारी एक तपस्या है, और सदा योग युक्त रहना तो सबसे बड़ी तपस्या है। बाबा के इस यज्ञ में अपना संपूर्ण योगदान देना, जीवन को सुहा कर देना, ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलना, ये भी हमारी एक सुंदर तपस्या है। हम श्रेष्ठ तपस्वी हैं, त्याग से ही तपस्या सफल होती है। त्याग का बल तो हमारे पास है ही, बाबा इस धरा पर आए और हम में त्याग के बीज बोलिए। सबसे पहले तो त्याग कराया मनोविकारों का, त्याग कराया देहभान का, त्याग करा दिया सांसारिक इच्छाओं और तृष्णाओं का, त्याग करा दिया संसार से कुछ पाने की इच्छा का। तो बाबा ने हमें महान तपस्वी बना दिया है। आज हम ध्यान दें, हमें तपस्या करनी है कि हमारा एक एक संकल्प विश्व कल्याण अर्थ हो, हमारा एक एक संकल्प संसार को कुछ देने वाला हो, हमारा एक एक संकल्प संसार के विघ्नों को नष्ट करने वाला हो, अनेक आत्माओं को बल देने वाला हो, ऐसा हो जो भगवान को प्रिय हो, जो उसको अर्पित किया जा सके। यूं तो हम अपनी बुराइयां उस पर अर्पित करते हैं, लेकिन हम महान आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अपने श्रेष्ठ संकल्प भी उस पर अर्पित करते हैं। तो एक एक संकल्प के वाइब्रेशन से संसार में चलते हैं। हमें ऐसे संकल्प करने हैं जो संसार में प्योरिटी की लहर फैले, क्योंकि हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, हमारा प्रवाह सभी धर्मों की आत्माओं तक जाता है। हमें ये अवेयरनेस बहुत अच्छी तरह से रहनी चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबल आत्माएं हैं। हमारे कर्म भी संसार के लिए अनुकरणीय हैं। संसार जन्म जन्म हमारे ही कर्मों को फॉलो करता है। हमारे बोल भी संसार को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, उन्हें प्रेरणा देने वाले हैं, उन्हें समस्याओं से मुक्त करने वाले हैं। तो हम अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति में रहकर बाबा के इस महान कार्य में योगदान करते रहें और अपने मन को संपूर्ण रूप से व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करते चलें। सभी ने पूरा मास डीप साइलेंस का अवश्य अनुभव किया होगा। हमारी ये डीप साइलेंस हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, इसे ही साइलेंस पावर कहा जाता है। इस शक्ति को हम बढ़ाते चलें, जितना जितना हमारा मन शांत होगा और शेष संकल्पों में रमन करता होगा, उतना उतना ही ये महान शक्ति जमा होती जाएगी, और यही शक्ति आगे चलकर हमें बहुत काम आएगी, विशेष रूप से विनाश काल में उन आत्माओं को बहुत सरलता और सब कुछ प्राप्त होगा जिन्होंने ये साइलेंस पावर स्वयं में भरी होगी। और वो ऐसा समय होगा जब हमें केवल अपने लिए सब कुछ नहीं करना होगा, बल्कि हमारा जीवन दूसरों की सुरक्षा करने में, उनके दुख हरने में, उनके विघ्नों को नष्ट करने के लिए होगा। तो हम स्वयं को इस साइलेंस पावर से भरपूर करते चलें। तो आज सारा दिन हम अपने मन को डीप साइलेंस की स्थिति में रखेंगे। पहला संकल्प करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति तो मेरा श्रृंगार है, मैं पीस हाउस हूँ,
चित्त को शांत करेंगे कि मेरे सभी संकल्प शांत। एक डीप साइलेंस की अनुभूति के लिए मैं अलग और ये देही मुझसे अलग है, बारंबार इसका अभ्यास करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।